एंड ये वाला वायराइड ज्यादातर न्यूक्लियस में अपना रेप्लिकेशन करता है और एक डिजीज कास करती है जिसे पेल प्रू डिजीज कहते हैं। प्रियांश की कोई प्लांट डिजीज रिपोर्टेड नहीं थी। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं वायरस के बारे में, ब्रियांस के बारे में, वायरस दो चीजों के मिश्रण में होता है। एक इनमें होता है प्रोटीन कोट प्लस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी वायरस दो चीजों से मिलकर बनता है। एक इनमें होता है प्रोटीन कोट और दूसरा न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए, और इसमें इंफेक्शन की एबिलिटी होती है। दूसरा है प्रियांस जो कि सिर्फ प्रोटीनिशियस पार्ट होता है और उसमें डिजीज कास्ट करने की एबिलिटी होती है। आज जो टॉपिक है दैट इज वायराइड, इट इज ओनली द आरएनए पार्ट। ये सिर्फ आरएनए होती है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होती है सर्कुलर फॉर्म में और उसमें डिजीज कास्ट करने की एबिलिटी होती है। उसके साथ कोई प्रोटीनिशियस पार्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने डिफिनिशन में लिखा है कि द आरएनए व्हिच हैज एबिलिटी यानी ओनली आरएनए पार्ट है और उसमें डिजीज कास्ट करने की एबिलिटी होती है, इसे वायराइड कहते हैं। वायराइड हमेशा वायरस से साइज में स्मॉलर होता है और वायरस से सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है? क्योंकि इसके साथ प्रोटीनिशियस पार्ट नहीं होता। दूसरा पॉइंट जो मैं यहां पे लिख चुका हूं, वायरस सर्कुलर आरएनए होती है और उसमें कोड्स नहीं होते, यानी उसमें ये कोई जेनेटिक कोड जिस तरह मैसेंजर आरएनए में होती है वो कोडिंग फॉर्म में नहीं होता। इसके अलावा दे यूज होस्ट मशीनरी फॉर रेप्लिकेशन, यानी यही वायराइड वाला आरएनए जो जिस सेल में यह जाता है, जो उनका होस्ट होता है, उसी सेल्स को ये मशीनरी के तौर पर यूज करते हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए। और ये एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट केस में, यानी एक सेल में जब ये इंफेक्शन कास्ट कर लेते हैं तो एक सेल से ये दूसरे सेल में एक ट्यूब के जरिए जाता है प्लांट में, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, और या अगर दूर तक ट्रांसपोर्ट होती है तो फिर ये प्लांट के फ्लोएम को यूज करते हैं। समझते हैं ना? अब अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में या फिर ब्लड के जरिए इनकी ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह में। इसके अलावा इसके जो वायराइड की जो आरएनए होती है इसमें 200 से लेकर 400 तक न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन में ये सिर्फ एक डिजीज कास्ट करती है जिसका नाम है हेपेटाइटिस डी, बाकी इसके अलावा ये सारे डिजीज प्लांट्स में कास्ट करते हैं। हमने इससे पहले प्रियान में पढ़ा था कि प्रियान सारे डिजीज इन ह्यूमन बीइंग में और अदर एनिमल्स में कास्ट करते हैं। प्रियांस की कोई प्लांट डिजीज रिपोर्टेड नहीं थी। आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं वायराइड इनमें से उनका एक जो है ना डिजीज रिपोर्टेड है ह्यूमन में, एंड दैट इज हेपेटाइटिस डी, जबकि बाकी डिजीज इनके जो रिपोर्टेड है वो प्लांट से है। प्लांट से इनके डिजीज है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स वायराइड डिजीज, PSTVD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड। समझते हैं ना? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड जो है ना ये डिजीज कास्ट करते हैं, नाम से जाहिर होता है पोटैटो में, जिससे वो पोटैटो का जो नॉर्मल साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। दे बिकम इनलार्ज इन साइज और फिर उनमें क्रैकिंग होती है। समझते हैं ना? क्रैक्स क्रिएट होते हैं उसके अंदर। इसके बाद ये कोकोनट में एक डिजीज कास्ट करती है जिसे कैडन कैडन डिजीज कहा जाता है। इसके अलावा ये कुकम्बर में एक डिजीज कास्ट करती है जिसे पेल प्रू डिजीज कहते हैं। सिट्रस प्लांट में ये एक डिजीज कास्ट करती है जिसे एक्सोकॉटिस डिजीज कहते हैं। वायराइड क्लासिफाइड है दो फैमिलीज में। वायराइड कितने फैमिलीज में क्लासिफाइड है? दो फैमिलीज में। एक को न्यूक्लियर वायराइड कहा जाता है, एक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर वायराइड, और दूसरे को क्लोरोप्लास्ट वायराइड कहा जाता है।
यानी ये वाला वायराइड ज्यादातर न्यूक्लियस में अपना रेप्लिकेशन करता है, और जो क्लोरोप्लास्ट वायराइड होता है ये क्लोरोप्लास्ट पे अटैक करके उसके अंदर सेल के अंदर सेल के क्लोरोप्लास्ट में ये अटैक करके रेप्लिकेशंस करते हैं, और जो सेल के न्यूक्लियस में करते हैं उसे न्यूक्लियर वायराइड कहते हैं। सो वायराइड दो फैमिलीज में क्लासिफाइड है, एक को न्यूक्लियर वायराइड कहा जाता है, दूसरे को क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्टिक वायराइड कहा जाता है।